Shani student, relevant class 4th. Now we look lesson 6, the Christmas celebration. The Christmas celebration, Christmas का महोत्सव, Christmas का उत्सव. चलिए देखते हैं बेटा. Now we explain your lesson. Can you find out what is the day of toys, cakes, candles, candies, gifts and decoration called? Can you find out what is the day of toys, cakes, candies, gifts and decoration called? क्या आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा दिन होता है जिसमें खिलौने, केक, कैंडीज, गिफ्ट्स को सजाया जाता है? नो, इट इज़ नॉट योर बर्थडे पार्टी. नहीं, यह आपका जन्मदिन नहीं होता है, इसे बर्थडे पार्टी आप नहीं कहते हैं. नहीं है, यह आपका बर्थडे पार्टी नहीं है. हियर इज अनदर क्लू. यहाँ कुछ, हियर इज अनदर क्लू, यहाँ एक दूसरा हिंट है, एक क्लू है, संदेश है थोड़ा सा, जिसे जिसके द्वारा आप पता कर सकते हैं. तो क्या है? वी आर सिंग कैरोल्स. हम समूह में गाते हैं. एंड डेकोरेट ए स्पेशल ट्री. और एक विशेष पेड़ को सजाते हैं. एंड डेकोरेट ए स्पेशल ट्री. और एक विशेष पेड़ को सजाते हैं. यस, हाँ, यू आर राइट. आप सही हो. इट इज़ क्रिसमस टाइम. यह क्या होता है? क्रिसमस टाइम होता है, क्रिसमस का महोत्सव होता है. द बर्थडे ऑफ बेबी जीसस इज सेलिब्रेटेड एज क्रिसमस डे ऑन 25th ऑफ दिसंबर ईच ईयर. द बर्थडे ऑफ बेबी जीसस का जन्मदिन 25 दिसंबर को प्रत्येक साल 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है. इट इज़ द सीजन ऑफ सेलिब्रेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड. इट इज़ द सीजन ऑफ सेलिब्रेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड. इट इज़ द सीजन ऑफ सेलिब्रेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड. यह पूरे विश्व में महोत्सव का मौसम होता है. वी गिव ग्रीटिंग कार्ड्स टू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट. वी गिव ग्रीटिंग कार्ड टू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड. हम रिश्तेदारों और मित्रों को ग्रीटिंग कार्ड देते हैं. एंड एक्सचेंज गिफ्ट, और उपहारों का अदला बदली करते हैं. हम उपहार देते लेते हैं. वाह, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फन विथ इट. यह अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ लाता है. देन तब वी ऑल हैव द क्रिसमस ट्री. देन वी ऑल हैव द क्रिसमस ट्री. तब तो हम सब के पास क्रिसमस ट्री होता है. वेदर, एक बार देख लीजिए बेटा. देन वी ऑल हैव द क्रिसमस ट्री. तब तो हमारे पास भी, हम सब के पास क्रिसमस ट्री होता है. वेदर ओल्ड आर यंग, एवरी वन लाइक्स टू डेकोरेट द ट्री विथ स्टार्स. लुक बेटा, द बर्थडे ऑफ बेबी जीसस इज सेलिब्रेटेड एज क्रिसमस डे ऑन 25th ऑफ दिसंबर ईच ईयर. जीसस का जन्मदिन प्रत्येक साल 25th दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है. इट इज़ द सीजन ऑफ सेलिब्रेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड. यह पूरे विश्व में महोत्सव का मौसम होता है. वी गिव ग्रीटिंग कार्ड टू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट. हम रिश्तेदारों और मित्रों को ग्रीटिंग कार्ड देते हैं और उपहारों का अदला बदली करते हैं. वाओ, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फन विथ इट. यह अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ लाता है. देन वी ऑल हैव द क्रिसमस ट्री. तब हम सब के पास क्रिसमस ट्री होता है. वेदर ओल्ड आर यंग, एवरी वन लाइक्स टू डेकोरेट द ट्री विथ स्टार्स, सिनी बेल्स, फेरीज, कैंडी, कोन्स, बॉल्स एंड टॉयज. इवन चाहे बूढ़े हों अथवा युवा, प्रत्येक लोग पेड़ को डेकोरेट करना चाहते हैं. पेड़ को सजाना चाहते हैं. किससे सजाते हैं? विथ स्टार,
कारों से सिनीवेल्स हैरिज कैंडी कॉन्स बॉल्स और खिलौने से इन सारी चीज़ों से पेड़ों को सजाना चाहते हैं। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत ही सुंदर दिखता है। बट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिसमस? बट अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन आपके अनुसार व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिसमस? क्रिसमस का सबसे अच्छा हिस्सा क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ क्रिसमस, इसे क्रिसमस का पिता कहा जाता है। डू यू नो हिज नेम? क्या आप उसका नाम जानते हैं? ही इज पॉपुलरली नोन सांता क्लॉस बाई एवरीबडी। ही इज पॉपुलरली नोन, वह जाने माने व्यक्ति हैं और जाने जाते हैं। वो पॉपुलर हैं, परिचित हैं, वो लोकप्रिय हैं, जाने जाते हैं सांता क्लॉस बाई एवरीबडी, प्रत्येक लोगों के द्वारा सांता क्लॉस के रूप में जाने जाते हैं। इट इज़ कंसाइडर्ड डैट आवर बिलव्ड सांता लिव्स इन फिनलैंड। इट इज़ कंसाइडर्ड, ऐसा समझा जाता है डैट कि आवर बिलव्ड, इट इज़ कंसाइडर्ड डैट आवर बिलव्ड सांता लिव्स इन फिनलैंड, ऐसा समझा जाता है कि अपनी प्रेम का संता फिनलैंड में रहती थी। ही लिव्स देयर विथ मिसेस क्लॉज, वह मिसेस क्लॉज के साथ वहाँ रहती हैं। एंड इन इननंबरेबल मैजिकल लिव्स एल्फ्स हु हैव फनी फेसेस विथ पॉइंटेड नोज़ एंड इन इननंबरेबल मैजिकल लिव्स और असंख्य जादुई शक्तियों में हु हैव फनी फेसेस, जिनके पास मजाकिया चेहरे होते हैं विथ पॉइंटेड नोज और पॉइंटेड नोज होते हैं, जिनके नाक लंबे होते हैं। संता आल्सो पॉसेस ए फ्लाइंग रेनडियर, संता पॉसेस करता है और संबंधी उनके पास एक उड़ने वाली रिंडियर भी होती है। एक बेटा जादुई छड़ी की तरह में वो स्टिक घुमाते हैं, तब वो जो स्टिक, यहाँ रिंडियर का सेंस स्टिक से आया है, उस स्टिक से जो उन लोगों के पास संता क्लॉस के पास रहते हैं। संता प्रिपेयर्स फॉर ऑल द चिल्ड्रन अक्रॉस, संता प्रिपेयर्स फॉर ऑल द चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में सारे बच्चों के लिए संता तैयार होते हैं। विद द सपोर्ट ऑफ दीज इननंबरेबल एल्व्स, इन असंख्य एल्व्स शक्तियों के साथ, इन असंख्य एल्व्स के साथ योगदान करते हैं बच्चों का। गिफ्ट आर टॉयज मेड इन द वर्कशॉप बाय दीज टिनी एल्व्स, गिफ्ट आर टॉयज और खिलौने की गिफ्ट वर्कशॉप दुकानों पे बनाए जाते हैं बाय दीज टिनी एल्व्स, इन पतले एल्व्स के द्वारा। हु टॉयल डे एंड नाइट टू मेक चिल्ड्रन, देखिए बेटा रेनडियर होता है एक पोलर एनिमल, एक प्रकार का उड़ने वाला जानवर होता है, जानवर के लिए आया है। और एल्फ्स जो दिया है, एल्फ मीन्स आपका होता है मैजिकल स्प्रिट, जादुई आत्मा, जिसे आप जादुई शक्ति भी कह सकते हैं। अब देखिए बेटा गिफ्ट आर टॉयज, लास्ट पैराग्राफ का सेकंड लाइन, गिफ्ट आर टॉयज मेड इन द वर्कशॉप बाय दीज टिनी एल्फ्स हु टोल्ड डे एंड नाइट टू मेक चिल्ड्रन फील हैप्पी। खिलौने और उपहार वर्कशॉप में, दुकानों में इन छोटे छोटे शक्तियों के द्वारा दुकानों पे बनाए जाते हैं, जिनका जो दिन रात बच्चों को खुश करने के लिए प्रयास करते हैं, जिनका लक्ष्य बच्चों को खुश करना होता है।
देखिए बेटा ऐसा माना जाता है। अब फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या माना जाता है कि देन ऑन द क्रिसमस ईव, ईव मीन्स होता है इवनिंग, देन ऑन द क्रिसमस इवनिंग संता क्लाइस डाउन, तब क्रिसमस की शाम को संता नीचे आता है एंड विजिट एवरी होम एट मिडनाइट, और मध्य रात को प्रत्येक घरों में जाता है मिलता है एंड लीव्स गिफ्ट्स फॉर ऑल द गुड चिल्ड्रन, और सारे अच्छे बच्चों के लिए उपहार छोड़ता है। चिल्ड्रन हैंग दियर स्टॉकिंग टू रिसीव द लवली कैंडीज, चिल्ड्रन हैंग दियर स्टॉकिंग टू रिसीव द लवली कैंडीज, बच्चे अपने स्टॉकिंग को जो इकट्ठे किए रहते हैं खिलौने वगैरह ये सब लटका देते हैं टू रिसीव द लवली कैंडीज, प्यारे कैंडीज को प्राप्त करने के लिए, एंड गिफ्ट्स और उपहारों को मेड इन द वर्कशॉप, जो वर्कशॉप में बनाए हुए होते हैं। क्या लटकाते हैं लिख कर बेटा, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, संता क्लॉज इज कमिंग राइडिंग ऑन हिज स्लेह, अंडरस्टैंड, ये गाना रहता है। द कैरोल्स आर संग इन कोरस एंड पीपल सेलिब्रेट द फेस्टिवल, यही गाना गाते हैं बेटा लोग समूह में, जिंगल बेल ऑल द वे, संता क्लॉज इज कमिंग राइडिंग ऑन हिज स्लेह, द कैरोल्स आर संग इन कोरस, ये लोगों का समूह द कैरोल्स आर संग इन कोरस, ये कैरोल्स जो होता है समूह में गाया जाता है, एंड पीपल सेलिब्रेट द फेस्टिवल विथ ग्रेट जॉय, और लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ बड़ी खुशी के साथ त्यौहार को मनाते हैं। दे गो टू द चर्च लाइट कैंडल्स एंड प्रे टू जीसस एंड मदर मैरी, दे गो टू द चर्च लाइट कैंडल्स एंड प्रे टू जीसस एंड मदर मैरी, वे चर्च को जाते हैं कैंडल्स जलाते हैं और जीसस और माँ मैरी को प्रार्थना करते हैं, फादर जीसस और मदर मैरी को प्रार्थना करते हैं। क्रिसमस इज अ फेस्टिवल ऑफ ब्लेसिंग, क्रिसमस आशीर्वाद का त्यौहार होता है, पीपुल मेक मैरी एंड हैव फन, लोग खुशियाँ मनाते हैं और खुश होते हैं। चिल्ड्रेन अवेट गिफ्ट्स फ्रॉम संता, बच्चे संता से उपहारों का वेट करते हैं, संता के द्वारा दिए गए उपहारों का वेट करते हैं। चिल्ड्रेन अवेट गिफ्ट्स फ्रॉम सेंटा, बच्चे सेंटा के द्वारा उपहारों का वेट करते हैं। इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास होता है डैड की चिल्ड्रन, वे बच्चे हु रिस्पेक्ट दियर एल्डर्स, लव दियर यंगर्स एंड बी पंचुअल इन एवरी टास्क गेट स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम सेंटा। देखिए बेटा ये लाइन कितनी अच्छी है, इट इज बिलीव्ड डैट चिल्ड्रन हु रिस्पेक्ट दियर एल्डर्स, लव दियर यंगर्स एंड बी पंचुअल इन एवरी टास्क गेट स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम सेंटा, ऐसा विश्वास होता है ऐसा माना जाता है कि वे बच्चे जो अपने बड़ों का सम्मान करते हैं छोटों से प्यार करते हैं और प्रत्येक काम में पंचुअल रहते हैं उन्हें संता के द्वारा विशेष उपहार प्राप्त होता है। क्रिसमस फिल्स द एयर विथ जॉय, क्रिसमस खुशियों से भरा होता है, अंडरस्टैंड, योर लेसन इज फिनिश्ड, बेटा जो आपका 6th लेसन था ये फिनिश्ड हो गया। अब हम बुक वर्क थोड़ा सा जो बुक के वर्ड मीनिंग है चलिए इनको देख लेते हैं। तो इनको बेटा देखिए कैंडीज मीन्स होता है मिठाई वगैरह टॉफ़ी वगैरह जो होता है टॉफ़ी, कैंडीज मीन्स आप टॉफ़ी राइट कर सकते हैं यहाँ पर होता है टॉफ़ी। कैरोल्स मीन्स होता है क्रिसमस का गीत, एल्स मीन्स होता है जादुई शक्ति, ईव मीन्स होता है इवनिंग शाम, एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, कैंडीज मीन्स होता है टॉफ़ी, कैरोल्स मीन्स होता है क्रिसमस का गीत, एल्स मीन्स होता है जादुई शक्ति, ईव मीन्स होता है शाम, एक्सचेंज मीन्स होता है अदला बदली करना,
देना, एक्सचेंज मीन्स आप बोल सकते हैं बेटा लेना देना, एक्सचेंज मीन्स लेना देना। रिंडियर मीन्स होता है एक प्रकार का जानवर जो उड़ता है, एक रिंडियर आप जानवर को कह सकते हैं, प्रकार का जानवर रिंडियर। ग्लाइड्स मीन्स होता है धीरे से चलना, और कोरस मीन्स होता है बेटा साथ साथ समूह, एक कोरस मीन्स होता है एक साथ, कोरस मीन्स एक साथ। इसकी हिंदी का आप कॉपी में राइट कर लीजिएगा बेटा, हम बता दे रहे हैं एक बार फिर, आप कॉपी में इसे सॉरी बुक में यहाँ पर आप इनकी हिंदी देख लीजिएगा। कैंडीज मीन्स टॉफी, कैरोल्स मीन्स होता है क्रिसमस का गीत, इल्फ मीन्स होता है जादुई शक्ति, ईव मीन्स होता है शाम, एक्सचेंज मीन्स होता है लेना देना, रिंडियर मीन्स होता है एक प्रकार का जानवर, ग्लाइड्स मीन्स होता है धीरे से चलना, और कोरस मीन्स होता है एक साथ। अंडरस्टैंड? तो लर्न वर्ड मीनिंग लेसन सिक्स, दैट्स ऑल।